ये जो डाइस के क्वेश्चन आते हैं, कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उसमें क्वेश्चन पूछना ही है, ठीक है। तो डाइस में क्या होता है कि हमारे पास तीन जो पासे होते हैं उसकी कुछ ऐसी डायमेंशन होती है, यानी उसमें छह फेस होते हैं, ठीक है। हमको तीन फेस दिखाई देते हैं, तीन फेस नहीं दिखाई देते, जो कि हिडन होते हैं। तो इस डायग्राम से हमको जितने फेस हैं सब फेस दिख जाएंगे। पहला फेस हमारा ये है, एक फेस ये हो जाएगा, इसके अपोजिट जो पीछे वाला फेस है ये फेस है, दूसरा फेस ये हो जाएगा मेरा, ठीक। दो दो फेस हो गए। तीसरा फेस हमारा क्या होगा, तीसरा फेस जो होगा ये वाला फेस हो जाएगा, तीन फेस हो गए। और चौथा फेस हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि जो पांचवा फेस होगा वो ऊपर का ये एक फेस हो जाएगा टॉप में, और एक नीचे का टॉप हो जाएगा। तो ये कुल मिला के छः फेस होते हैं। हमको दिखाई कितने देते हैं, तीन। तीन सतह हमको सामने आती हैं, तीन सतह हिडन होती हैं। इसके जो क्वेश्चन आते हैं उनके अलग अलग केस हैं। पहला केस क्या है कि केवल आपको फिगर में एक डाइस दिया जाएगा, यानी एक डाइस दिया जाएगा, एक ही डायग्राम दे दिया जाएगा। दूसरा केस होता है कि फिगर में आपको दो डाइस दिए जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, नो कॉमन। एक तो केस अगर जब टू डाइस आपको दिए जा रहे हैं तो उसमें एक कंडीशन आएगी कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है, दूसरा आएगा कि उनमें टू कॉमन है, और तीसरा आएगा कि उनमें वन कॉमन है। यानी अगर हमारे पास कोई डाइस दिया जा रहा है, ठीक है, ऐसे करके, तो उसकी कहानी ऐसे बनेगी, यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे थ्री है। हो सकता है कि दूसरा जो डाइस आया मेरे पास उसका क्या है, यहाँ पर थ्री है, यहाँ पे फोर है, यहाँ पर टू है। तो इस केस में क्या होगा, टू यहाँ पर भी है, टू यहाँ पर भी है, टू यहाँ पर भी है, टू यहाँ पर भी है। ये केस हो जाएगा मेरा कि दो चीज़ें कॉमन है, एक ये कॉमन है, ये और ये, ठीक है। अब इसके अलावा क्या केस हो सकता है, इसके अलावा ये भी केस हो सकता है कि यहाँ पर कितना आ जाए, यहाँ पर हमारे पास फाइव आ जाए। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा यहाँ पे क्या था, यहाँ पर हमारे पास टू था, यहाँ पे हमारे पास टू था। तो उस केस में केवल ये टू कॉमन है और ये टू कॉमन है, ठीक है। अब इसके अलावा क्या आ सकता है, इसके अलावा यहाँ पे आ जाए सिक्स, तो इस केस में कोई भी कॉमन नहीं है, तो तीनों केस ये हो गए, ठीक। तो एक केस ये हुआ कि जब दोनों कॉमन, दो कॉमन थे, फिर हुआ कि कोई भी कॉमन नहीं है, तीसरा एक कॉमन है। तो ये हमारे पास केस होंगे। पहला केस होगा केवल ओनली वन फिगर, दूसरे केस में दो फिगर होंगे लेकिन उसमें कंडीशन दी जाएगी, तीसरे केस में मोर देन टू फिगर होंगे, चौथे केस में ओपन डाइस होगी, और पांचवा केस होगा लैंग्वेज बेस्ड। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहला केस पढ़ेंगे एक फिगर वाला, ठीक है। इससे पहले कुछ समझ लो, स्टैंडर्ड डाई होता है। स्टैंडर्ड डाई का मतलब ये होता है, स्टैंडर्ड डाई में ये खासियत होती है कि जो इसके सामने की साइड होती है, जो सामने की साइड होती है और जो अपोजिट साइड होती है, सामने की साइड और अपोजिट साइड जो होती है, जैसे यहाँ पर हमारे पास वन है, ठीक है, तो इसके जो पीछे की साइड होगी, जो इसके पीछे की साइड होगी उसमें डिजिट कौन सी होगी, सिक्स होगी। यानी सामने की और उसके पीछे की साइड का जब एडिशन कर दिया जाएगा तो उसका एडिशन कितना आएगा, सेवन आएगा। तो इस प्रकार की डाइस को क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड डाइस कहेंगे, समझ रहे। यानी सामने वाली डाइस, अगर हमारे पास कोई डाइस जो है, कोई पासा मानक पासा है, तो उसके लिए कंडीशन ये है, उसके सामने की डायमेंशन जो भी डिजिट दिख रही है और उसके जो पीछे की डिजिट है, उन दोनों का सम कितना आना चाहिए, सेवन आना चाहिए। अगर ये सेवन आता है तो हमारा स्टैंडर्ड डाइस है, अगर सेवन नहीं आता तो क्या होगा, हमारा स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा। और ये कंडीशन सभी में अप्लाई होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर वन है तो वन के पीछे क्या आएगा, वन के पीछे सिक्स आएगा, और इन दोनों का समेशन सेवन आ जाएगा। ये टू है तो टू के पीछे क्या आएगा, फाइव आएगा, और इन दोनों का समेशन कितना आ जाएगा, सेवन आ जाएगा। ये थ्री है, थ्री के पीछे कितना आएगा, फोर, इन दोनों का समेशन कितना आ जाएगा, सेवन। तो ऐसे डाइस को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, जनरल डाइस, साधारण पासा। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि इनका जो सम होता है सात से कम भी हो सकता है, सात से ज़्यादा भी हो सकता है। यानी जैसे हमारे पास ये टू है, टू के पीछे हमारा क्या हो सकता है, सिक्स भी हो सकता है, तो इनका समेशन कितना आ गया, एट आ गया। और टू के पीछे हमारे पास क्या आ सकता है, फोर भी आ सकता है, तो इनका समेशन कितना आ गया, सिक्स आ गया।
इसका मतलब ये हुआ कि जनरल पासा या साधारण पासा वो पासा होगा जिसमें उनके सामने की डिजिट और अपोजिट डिजिट का सम 7 नहीं आना चाहिए। अगर 7 सम आ जाता है तो उस केस में हमारा वो जो पासा होगा वो हमारा स्टैंडर्ड पासा हो जाएगा, अगर 7 नहीं आएगा तो वो हमारा जनरल पासा हो जाएगा। ठीक है, तो 1, 6, 7 अगर ये आया तो ये वाला हमारा कौन सा हो जाएगा, अगर अपोजिट और सामने की फेस का सम कितना आया डिजिट का 7 आ गया तो स्टैंडर्ड पासा हो गया, ये स्टैंडर्ड हो गया। अगर इसका सम 7 नहीं आया, 7 से कम आया या ज़्यादा आया तो ये हमारा जनरल पासा हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात हमको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद ये क्वेश्चन है, कुछ देख लो इसको क्या करना है। व्हेन ओनली वन पोजीशन गिवन, यानी केवल एक आपको डायग्राम देगा डाइस का, ये जैसे हमको दिया हुआ है तो आपसे पूछेगा कि इसके अपोजिट क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अब जैसे हमसे पूछ लेता है कि हमको बताना है कि 2 के अपोजिट क्या है, क्या 1 के अपोजिट क्या है या फिर 3 के अपोजिट क्या है। ठीक है, उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन का आंसर देना होगा। जैसे क्वेश्चन में हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट क्योंकि यहाँ पर जो पासा है इसके विषय में हम नहीं बता सकते कौन सा है, जनरल है कि स्टैंडर्ड है, लेकिन इन दोनों को जब ऐड करेंगे कितना आएगा, इन दोनों डिजिट को ऐड करेंगे 7 आ जाएगा और इनका ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि हमारे पास अगर स्टैंडर्ड पासा होता है तो उसके जो सामने की जो जो फेस हमें दिखाई देते हैं उन फेस का सम कभी भी 7 भी नहीं आना चाहिए, और इन दोनों का सम कितना आ रहा है 7 आ रहा है, 2 और 5 कितना आ रहा है 7 आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा जनरल पासा है। कैसे पता चला, क्योंकि स्टैंडर्ड पासे की खासियत ये होती है कि उनमें हमारा जो सामने का फेस है और उसका अपोजिट फेस है उनका सम आना चाहिए 7, और इसमें क्या आ रहा है ये सामने के फेस का ही, ये 2 का और 5 का सम कितना आ रहा है 7 आ रहा है, तो ये हमारा मानक पासा है। ये तो मैं सॉरी हाँ मानक पासा नहीं है, जनरल पासा है। ठीक है, अब इसमें क्या है आपको 3 के अपोजिट बताना है, तो 3 के अपोजिट क्या हो सकता है, 3 के अपोजिट हमारा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा 4 भी कह सकते हैं, 4 भी कह सकते हैं, 4 नहीं कहेंगे, 4 क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर 4 कह देंगे तो हमारे पास इसका सम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 नहीं होना चाहिए क्योंकि इन दोनों डिजिट का सम 7 हो चुका है। तो इसके पीछे क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। समझ गए, कैसे पता किया कि ये जनरल पासा है, हमने क्या किया दोनों का जो सामने के फेस दिख रहे थे 2 और 5 को ऐड किया कितना आ गया 7 आ गया। अगर सामने के फेस का एडिशन 7 आ जाता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो इनका सम है पासे का 7 आ गया, और 7 उसी केस में आ सकता है जब ये हमारा जनरल पासा हो, स्टैंडर्ड पासा होगा तो नहीं आएगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन हमारा डी आ गया। इसमें देखो 1 और 2 और 6 है। ठीक है, अब इसको हमें पता करना है कि हमारा जनरल पासा है कि स्टैंडर्ड पासा है सबसे पहले, और बताना क्या है कि 5 का अपोजिट क्या है। देखो 2 को और किसको 6 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, वहीं 1 को और 6 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा जनरल पासा है, ये सब हमको पता करना पड़ेगा, जनरल पासा है। ठीक है, अब जब जनरल पासा है तो हमको पूछा किसके अपोजिट है 5 के, तो 5 के अपोजिट क्या हो सकता है, 5 के अपोजिट 2 नहीं होगा बाकी कुछ भी हो सकता है, यानी 1 भी हो सकता है और क्या हो सकता है 4 हो सकता है। ठीक है, और 3 भी हो सकता है, 3 नहीं हो सकता सॉरी 3 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता और इसका 6 भी हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ दिया नहीं है कि क्या होगा, ये 1 दिया है, 2 दिया है, 6 दिया है। ये अगर सारे ऑप्शन दिए होते कि 1, 4, 3, 6 तो हमारे पास ऑप्शन डी आएगा यहाँ पर। क्यों आएगा, क्योंकि इसके विषय में हम नहीं बता सकते, अगर ऑप्शन में ये दिया होता तो आ जाता। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन नंबर ये 4, इसमें क्या है हमको 3 के अपोजिट बताना है, तो सबसे पहले हमको ये पता करना होगा ये कौन सा पासा है। ठीक है, तो इसमें क्या है 2 और 3 को ऐड करोगे 5 आएगा, 1 और 2 को ऐड करोगे 3 आएगा, इसमें हम नहीं बता सकते कौन सा पासा है, जनरल है कि वैसा है मेरा स्टैंडर्ड, लेकिन हमारे पास ऑप्शन के हिसाब से जाना होगा। ठीक है, इसके अपोजिट पूछा है 3 के, तो 3 के अपोजिट क्या हो सकता है, 3 के अपोजिट हमारे पास हो सकता है, 3 के अपोजिट 7 भी हो सकता है सॉरी 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, क्योंकि 1 और 2 तो नहीं हो सकता क्योंकि ये इसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं इसका फेस, तो इसका अपोजिट क्या हो सकता है 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6, ऑप्शन हमारा ये आ जाएगा डी। समझ गए, क्योंकि जो सामने दिख रहा है वो तो नहीं हो सकता ना, 1 और 2 नहीं हो सकता, 1 और 2 नहीं हो सकता है, तो इसके बाद रिमेनिंग कुछ भी हो सकता है, तो ऑप्शन हमारा डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या है 2, 6, 4, 6, अब हमें इसमें बताना है 3 के अपोजिट क्या है। ठीक है, 3 के अपोजिट, तो यहाँ पे 2 है ये 6 है,
दोनों को ऐड करोगे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, ये 6 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हम नहीं बता सकते कौन सा पास आइए, ठीक है। लेकिन ऑप्शन पे आओ, किसके अपोजिट पूछा है, 2 के, तो 2 के अपोजिट क्या हो सकता है, 2 के अपोजिट हमारे पास हो सकता है, सॉरी 3 के अपोजिट 2 हो सकता है, किसके अपोजिट पूछा, 3 के, 3 के अपोजिट क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इसके बाद क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और इसके अलावा 6 भी हो सकता है। अब ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2, 4, 6, ठीक है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अब इसके बाद देखो, अगर किसी को लगता है कि 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए और क्या होना चाहिए, 1, तो उसके लिए देख लो, 3 लेना हमको, 5 अगर लेंगे तो फिर हमारे पास जो बाकी हैं 5 और 1 भी ले सकते हैं, ठीक। लेकिन इसमें कंडीशन ही फंस जाएगी कि हमारे पास 3 + 1 कितना आएगा, 4 आएगा, और 3 + 5 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 + 6, 8 आ चुका पहले से, तो इसका मतलब क्या होगा, ये ऑप्शन हमारा होगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें इसमें क्या है, एक कंडीशन ये, ठीक है। अब अगर इसमें दूसरा ऑप्शन ये दिया हो कि 2 दिया हो, 4 दिया हो, 6 दिया हो, तो कन्फ्यूजन होगी किसको लेंगे, तो इसमें लगा देंगे सी, मतलब नहीं बता सकते क्योंकि तीनों वैल्यू हो सकती हैं। इसके बाद आओ, इसके बाद क्या है, अगर अब ये पास को क्या मान लेते हैं, स्टैंडर्ड पास मान लेते हैं, तो 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट हमारा 4 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 3 + 4 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, 4 ऐड कर दो तो हमारे पास 3 के अपोजिट आएगा, अगर ये हमारा स्टैंडर्ड पास माना जाएगा तब। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, इसमें बताना है किसके अपोजिट, 1 के अपोजिट, 1 के अपोजिट क्या है, ठीक है। तो इसके केस में क्या होगा, 1 के अपोजिट हमारे पास क्या हो सकता है, 1 के अपोजिट हमारे पास 5 हो सकता है, सॉरी 1 के अपोजिट हमको लेना है, तो 1 के अपोजिट के लिए देखो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, 1 के अपोजिट हम ले सकते हैं 2 ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं और 4 भी ले सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में 3, 2, 4 अलग अलग दिया है, केवल ये दो कॉमन है, जो दो कॉमन है उनको ले लेंगे, 2 और 4, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या है, इसमें हमारे पास है, अगर हम इसको स्टैंडर्ड पासा मानेंगे, क्योंकि 4 और 3 कितना होता है, 7, तो स्टैंडर्ड पासा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इनके सामने के फेस जो दिख रहा है उनका सम साथ नहीं आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें इसमें क्या बताना है, हमें बताना है किसके अपोजिट, ए और एफ के अपोजिट, ए के अपोजिट क्या होगा, A to F, तो इसके ए के अपोजिट क्या बता सकते हैं, अगर एफ के अपोजिट कहें या ए के अपोजिट कहें, तो ए बता सकते हैं, बी बता सकते हैं, एफ बता सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी पार्ट। तो ये पहला केस हमारा खत्म हुआ, अब अगले केस में मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसके लिए थोड़ा डेमो देख लो क्या है, ये हमारे पास पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट हम जो है अगले ही लेक्चर में बताते हैं, ठीक है। समझ में आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना।